पिछले साल की तरह इस साल भी कोरोना महामारी के चलते 19 अक्टूबर को होने वाला जश्न ईद मिलादुन नबी का जुलूस इस साल भी नहीं निकाला जाएगा। यह ऐलान मुफ्ती आजम बरार अब्दुल रशीद साहब ने अकोला शहर के SDPO ऋतु खोखर से दारुल उलूम में हुई मुलाकात के बाद कही। हालांकि प्रशासन की ओर से ऋतु खोखर ने 5 ट्रकों के साथ जुलूस निकालने की अनुमति की जानकारी मुफ्ती साहब को बैठक में दी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते देश और प्रशासन का साथ देते हुए एक बड़ा और जिम्मेदाराना निर्णय लेते हुए मुफ्ती बरार ने जुलूस को रद्द करने की घोषणा की। आपको बता दें, पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन की खुशी में अकोला में पिछले 53 साल से यह जुलूस बड़े धूमधाम से निकाला जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होकर खुशियां मनाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, शरबत और खाने का भी इंतजाम इस जुलूस में होता है। लेकिन इस साल भी यह जुलूस नहीं निकाला जाएगा। इस अवसर पर जुलूस कमेटी के अध्यक्ष हाजी मुदाम, मुफ्ती गुफरान, हाफिज अयूब, शम्य तबरेज, इमरान चौहान, सैयद करीम जानी, सैयद यासीन, इसराइल खान, अलीमुद्दीन, जावेद रब्बानी और वसीम जमाली प्रमुखता से उपस्थित थे। 19 तारीख को ईद है और जैसा कल महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से परिपत्रक आया है कि उन्होंने मिरवणूक की के लिए परमिशन दिया है कुछ कंडीशंस के साथ में, तो ऐसे ही कंडीशंस के साथ में कि 5 वाहन अलाउड किए हैं, हम भी मिरवणूक की परमिशन देंगे। लेकिन मुफ्ती साहब ने जैसा बताया उनकी मीटिंग के बाद कि उन्होंने मिरवणूक को कैंसिल कर दिया है। ऐसा ही सहयोग हम बाकी अकोला वासियों से भी एक्सेप्ट करते हैं, बट स्टिल हम अपना जो बंदोबस्त है 19 तारीख को वो पूरा स्ट्रिक्ट बंदोबस्त रखेंगे। SDPO साहब मुझसे मुलाकात करने के लिए आए, उनसे ईद मिलादुन नबी के मुतालिक गुफ्तगू हुई और इसके पहले ही मैंने इनकार कर दिया था कि हमारे यहाँ इस साल जुलूस नहीं निकलेगा। SDPO साहब ने हमको 5 ट्रक का परमिशन दिया था, तो मैंने कहा ये परमिशन आपका हमारे पास रहेगा, लेकिन हम उसके बावजूद भी प्रशासन का ख्याल करते हुए इस साल जुलूस नहीं निकालेंगे। खास तौर से मैं हमारे यंगस्टर्स, हमारे नौजवानों से भी अपील करता हूँ, मुझे मुफ्ती आजम बरार की जानिब से अभी मुफ्ती आजम बरार ने भी ऐलान किया है, आप लोग प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए, प्रशासन का ख्याल रखिए। कोरोना की वजह से मुफ्ती रशीद साहब की जानिब से इस साल भी जुलूस जो है वो रद्द किया गया है, नहीं निकाला जा रहा है। हम भी प्रशासन को ये साथ दे रहे हैं, परमिशन होने के बाद मुफ्ती बरार ने इसे कैंसिल किया है। आज हमारे साथ में सुंदी रहमान, सुंदी नाबुकजा, रजा एक्टी, ये सभी साथ में हैं। अब जितनी अहले सुन्नत वल जमात के जमाते हैं ये सभी हमारे साथ में, और इनका सबका भी यही कहना है कि मुफ्ती बरार की बात रखते हुए हम जुलूस ना